अवार्ड मिला है। सर आपको ये अवार्ड मिला, कैसा आपको जी जी आप खास करना चाहिए आप चाहते हैं काफ़ी स्कॉलरशिप के भी आपने किस तरह की पैरामीटर से भी नापना चाहिए। आज जिसको शिक्षा की ज़रूरत है और जो धन के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाता, हमारी प्रायोरिटी वो है। और जो बच्चा सही मायने में कमज़ोर है, चाहे पढ़ने में या आर्थिक रूप से, हम लोग उस शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि वो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए। किसी को कमज़ोर कहना अच्छा नहीं है, हर किसी के अंदर एक अच्छी हुनर भगवान ने दिया है, हम उसके हुनर को पहचान कर उसको आगे बढ़ाए। आज खास कर व्यवसायों के शिक्षा में काफ़ी महत्व है, ऐसे में क्या कुछ कार्य योजना है आपकी? वेबसाइट भी शिक्षा आज की डेट में बदल रही है, एजुकेशन का पैरामीटर बदल रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमें उसके साथ मिल के चलना होगा, क्योंकि आज समय तेज़ी से भाग रहा है। जब तक समय को हम साथ होने के लिए चलेंगे, उस तरह से जागरूक नहीं करेंगे बच्चों को, तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। समय के अनुसार हमें देश के लिए, समाज के लिए बच्चे को जागरूक बनाना होगा और शिक्षित करना होगा। और ये टेक्नोलॉजी के नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, तो हमें फ़ायदे ज़्यादा बच्चे को बताने होंगे, गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा। आप संगीत से भी जुड़े हुए कुछ रुपये भी कौन से? संगीत का तो हर किसी से नाता होता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, हर कोई पसंद करता है। हमने भी एक छोटी सी कोशिश पहल शुरू की है, उस पहल के तहत हमने अभी शिक्षा संगीत के थ्रू शिक्षा देने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे हमारे बच्चे संगीत में आगे बढ़ें, हमारे शहर का, देश का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संदीप जो बता रहे थे कि युवाओं को आज बेहतर व्यवसायिक शिक्षा की ज़रूरत है। नमस्कार। Thank you.